Keisha, Akshay, Keshav, प्रेजेंट सर। अक्षय, श्रेया, ऋतिका, मटेरियल डिज़ाइन इंटीग्रेट करके देखा आप लोगों ने, स्टार्ट किया था, हुआ या नहीं? कौन सा कंटेनर?
बताओ क्या नहीं हुआ इसमें, कंटेनर का क्या प्रॉब्लम बताओ। मटेरियल से देखा ना, आपने वाला एग्जांपल लिया होगा ना जिसमें नेट चल रहा है। बेसिकली ये एग्जांपल होना चाहिए, कंपोनेंट लेआउट ये वाला लिया होगा ना। तो प्रॉब्लम क्या हुआ इसमें, तो इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये आप चाह रहे हो कि अलग आना चाहिए, तो इसकी आपने हाइट डिफाइन की थी। हाँ चलो मैं करके दिखाता हूँ, तुम्हारा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, रखो जरा इसको, बंद भी हो गया नेट। सेवेंस कर लिया आज की डेट में फाइल, और ट्राई करते हैं इस वाले पार्ट को। सो यहाँ से हम लोग कोड करेंगे कॉपी, कंट्रोल एस, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो इमेज का पाथ बेसिकली मैच नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से इमेज वाले फोल्डर को कॉपी करिए, यहाँ पर करिए कॉल, ये जो हमारा कोड में बैकग्राउंड इमेज है ना, इसका पाथ अपडेट कर दो। सो अपना जो इमेज है, इमेजेस हेडर बेस लगा देते हैं फिलहाल, सेंटर एंड कवर। और अभी हम लोग यहाँ देखते हैं, तो अपना कॉल हो गया। तो प्रॉब्लम आई आपको कि जो आपका कंटेंट है वो ओवरलैप हो रहा है ना, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं कि नया कंटेनर बना के। कहाँ बनाया था, इस जगह पर? ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें जैसे ये ड्रॉअर हमें नीचे, यानी कि ऑफ कैनवास आ रहा होगा ना इसमें, ये आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको हटा दो, हटाने का कमेंट कर लो, ये हमने ऑफ कर दिया, पहला पार्ट चला गया। और क्या नहीं चाहिए,
बस ठीक है। तो पेज कंटेंट जो है वो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तुमने लास्ट क्लास में कहीं पर अपने ग्रिड को डिफाइन किया था ना, हम यहाँ से ग्रिड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर करेंगे कॉल पेज कंटेंट में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को टेस्ट कर लूँ, ये क्लासेस हम लोग यहाँ से कर रहे हैं कॉपी और यहाँ पर करेंगे इसको कॉल। सेव करिए, ब्राउजर में करेंगे चेक इसको। तो ये ओवरलैप हो रहा है ना इस तरह से। तो यहाँ देखो डेमो लेआउट बैकग्राउंड कलर, अच्छा ये हमारा टेक्स्ट कलर वाइट हो गया, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया और ये हमारा हेडर है। हेडर में हमारी क्लासेस में हेडर ट्रांसपेरेंट, ठीक है इधर आओ। जैसे ये एक अपना मेन कंटेनर हो जाएगा और इसमें एक रो और तीन कॉलम, तो इसको कॉपी, एक और डिफाइन करना है यहाँ पर और इसमें क्या कॉल कर देंगे 12। तो ये वाला पार्ट अपना रेडी हो गया। तो लास्ट क्लास जिसमें आपको रहता है एक अपना मेन कंटेनर, तो यहाँ तक डिफाइन करेंगे डॉट is 100%, height is auto, copy, paste, 1246 में आता नहीं, और इसको अगर कोई height देना चाह रहे हैं आप तो height, तो जैसे ये हमारा chef वाला area है, chef तेज ऑटो एंड इसकी हाइट 796 समथिंग यहाँ पर कॉल करा लो, ठीक है। यहाँ ये हेडर मेन पेज कंटेंट, इस पार्ट को कट करो, पर आपने डिफाइन करना है मार्जिन ऑटो। तो ये पार्ट आपका इस तरह से मिडल में आएगा। अब इसको इससे बाहर निकालिए, तो हमने यहाँ पर इसकी हाइट बढ़ाने के लिए एक क्लास डिफाइन की थी शेफ के नाम से, तो चाहो तो कंटेनर पे या फिर एमडीएल ग्रिड के ऊपर शेफ को कॉल करा लो, ठीक है। तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे इसको इंस्पेक्ट,
अच्छा आपकी हाइट दिखाई दे रही है यहाँ तक, तो यानी जो हाइट है अभी आपको कम इसलिए मिलेगी क्योंकि ऊपर हमने हाइट को ना लॉक किया हुआ है, उस हाइट को लॉक कर दो। ये हाइट है 200 पिक्सल, इसको क्या लिख देंगे ठीक है। तो जितना जितना मैटर आप कॉल कराते जाओगे ऑटोमेटिकली ये एक्सपेंड होते जाएगा। क्या गड़बड़ हुआ इसमें, कंटेनर शैफ्ट मार्जिन ऑटो हाइट ऑटो 1246 कंटेनर उसको सीरिया के बाहर लिखा इंस्पेक्ट एमडीएल फ्लैक्स क्रो ओवरफ्लो वाई ऑटो डिस्प्ले लाइन ब्लॉक पोजीशन इज रिलेटिव इस कंटेनर से बाहर रखना है इसको, ये जो कंटेनर है इससे इसको बाहर निकाल दो। और इसमें प्रॉपर्टी और होगी हमारी यहाँ पे लगी है एमडीएल कटर रो ट्रांसपेरेंट वाले में सिर्फ हमारा ट्रांसपेरेंट और
हैं क्लास ने एमडी लेआउट कंटेनर, इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट लगा हुआ है। कंटेंट है, हम कंटेनर की क्लास को फाइंड कर रहे हैं ना, क्योंकि इससे बेसिकली अलग पार्ट हैंडल हो रहा है। अगर हम लोग इसको हैंडल कर देना देखो पोजीशन एब्सोल्यूट को, तो ये पार्ट हमारा ठीक होता है। और इसके बाद जो हमारा ये वाला है, इसमें कहीं पर पोजीशन एक जगह पर पोजीशन और है अपना, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन और है शायद हेडर में, कोई नहीं ऐसी चीज का सोल्यूशन है हमारे पास, इसको ऐसी रहने दो। हेडर का यहां पर जैसे कौन सा लेवे साले में, नहीं वो भी सही अप्रोच है, इसी के लिए हम लोग ना हाइब्रिड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ना बूटस्ट्रैप का भी सीडीएन आप इसमें लगा सकते हो। हमें क्या करना है, एक न्यू फाइल बनाना है और यहाँ पर आप लिखेंगे HTML फाइल टाइप, लिखिए BS फाइल, एंटर करिए और इसको सेव कर दो लाइक डेमो के नेम से। और यहाँ से अपना बूटस्ट्रैप का सीडीएन कॉपी करो और इंडेक्स वाली जो हमारी फाइल है इसमें इंटीग्रेट कर दो। और यहाँ पर आपको मिलेगा स्क्रिप्ट, इसको आपने कॉपी करना है, बिल्कुल एंड में लगे इसको भी कॉल करा दो। अब हमें क्लास डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम पता चल गई ना क्यों नहीं काम कर रहा है, हमने बॉडी में कॉल कराया उस टाइम। ये हमारा यहाँ ना चाहिए, इसको फिलहाल के लिए हटाइए और इसको बैठा दो। इसमें देखो बूटस्ट्रैप और ये दोनों चीज़ अपनी क्या है, मिक्स है। ठीक है, क्या करना है यहाँ से, जैसे मटेरियल का आपने कोई नैप बार इंटीग्रेट करना है, कौन सा ले लेते हमने यहाँ, तो यहाँ से सिर्फ इसका डिव स्ट्रक्चर कॉपी करो, कॉपी पेस्ट, और ये आपने स्टाइल कॉपी करना है इसका, कॉपी पेस्ट, क्लोज हुआ है, क्लोज कर दीजिए इसको। इमेज का पाथ करेक्ट कर दो, इमेज स्लैश क्या नेम था, हेडर बेस, बड़ी इमेज हमारी इसी के अंदर आती है। तो ये पहला पार्ट अपना रेडी हो गया, इसमें साइड वाला आपको नहीं चाहिए, साइड वाले पार्ट को सेलेक्ट कमेंट, इस पार्ट को हटा देंगे। लेकिन तुम्हें ना इस वाले पार्ट में अगर ये काम कर रही हो तो मोबाइल मोड में हमें वो भी चाहिए, बर्गर आइकन ना, तो बर्गर आइकन हमारा इस वाले में आ रहा होगा।
फॉर एग्जांपल ली उसके तो इस वाले पार्ट को आपने क्या करना है, जो भी हमारे यहाँ लिंक है जब मोबाइल मोड में है तो ये एक्टिव हो जाए और डेस्कटॉप मोड में क्या रहे हमारा ऑफ रहे, ठीक है, तो वो कस्टमाइजेशन हो जाएगा इसका। वो ऐसा थोड़ी ना काम करेगा ये क्लास हमारा सही से कॉपी हुआ नहीं, इसको दोबारा से कॉपी करो एक बार, कॉपी पेस्ट, अब आया इसको ऑफ। एक बार दोबारा से लाइव सर्वर पे डालो, गलत कॉपी हो गया फिर से, कौन सा ना था ये वाला है, ये क्लास है। पेज कंटेंट और इसमें लाके ग्रिड अपना कॉल करो, मटेरियल का ग्रिड हमने डिफाइन किया था यहाँ, कॉपी पेस्ट, नंबर ऑफ कॉलम 12 फॉर डेस्कटॉप, इसको बना रहे हैं, ठीक है, अब इसको हैंडल इस फाइल को डायरेक्ट चलाना है क्योंकि हमारा वीएस कोड का भी इसमें कोड आ रहा है साथ में। राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन, इंस्पेक्ट, तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रहा है वीएस, यहाँ पर इस क्लास को हमें टारगेट करना है, हाइट है, ये विड्थ है और ये पोजीशन है, ये बैकग्राउंड इमेज, ये अपनी हाइट है इस पार्ट की, विड्थ पोजीशन रिलेटिव, इस क्लास को पोजीशन रिलेटेड
रिलेटिव। मटेरियल के साथ मिक्स कर दो, सबके साथ काम करो। रिकॉर्ड VS5 नंबर डिफॉल्ट तो अपना नंबर चेक करो, सही से काम कर रहा है इसमें। ठीक है, तो हमें ये फुल विड्थ रखना है, तो क्या लिख देंगे? कंटेनर। ठीक है, फुल विड्थ वाला काम हो जाएगा। और जो पार्ट नहीं चाहिए, जैसे कि ड्रॉप डाउन और फॉर्म वाला पार्ट, MS Auto कुछ वैसे ही बन जाएगा। और इस नेव के नीचे हमें क्या चाहिए? डॉट कंटेनर। इसमें जाकर डिफाइन कर दो इमेज, इमेज स्लैश मनीष ठाकुर। हेलो, हाँ जी, मैं भी क्लास में था ना, इसलिए देखा नहीं होगा मैंने। हमें क्या चाहिए? पूरे एरिया के अंदर। तो इसमें से एक क्लास अल्टर कर देना, ये वाली, इससे क्या होगा, इस वाले पार्ट में फिट आ जाएगा आपको। और यहां जाके क्लास लिख लेना फुल विड्थ IMG। वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है, आप सीधे इसमें क्लास चला सकते हो, क्योंकि बूटस्ट्रैप में अपने पास क्लास होती है। क्या लिखते हैं? डी ब्लॉक NW 100। लेफ्ट और राइट में जो आपका गैप है, इसको आपने कॉलम में जाके लिखना है PX। और यहाँ भी आप लिखेंगे PX। ठीक है, हेडर के नीचे डालना है मेरे इमेज के। तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे नेबार लाइट BG, जहाँ लाइट है BG में क्या लिखेंगे? ठीक है, और
इसको लिखेंगे तो आगे बनाना पार्ट। टेक्स्ट को हमने लाइट करना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे नेबर, जहाँ लाइट है उसको डार्क, हो गया। तो ये वाला पार्ट आप ना इस तरह से बना सकते हो। और अगर इसको आपने स्टिकी रखना है तो स्टिकी टॉप भी रख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे में ये इस तरह से आ जाएगा, बाद में फिर इस तरह से हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, तो हम जरा से मिक्स करके देखते हैं मटेरियल को साथ में। ये तो हेडर वाला पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हम लोग बूटस्ट्रैप मटेरियल दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो देखो हमारी बूटस्ट्रैप की किसी भी क्लास को मटेरियल क्लैश नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो पार्ट आपको बूटस्ट्रैप से हो सकता है उसको वहाँ से डिफाइन कर लो और बाकी का पार्ट आप यहाँ से बना सकते हो। तो जैसे यहाँ जाइए, नेक्स्ट पार्ट को हम लोग मटेरियल से कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से मटेरियल ग्रिड, ग्रिड को हमने किया कॉपी, यहाँ पर हमने किया कंटेनर फ्लूइड के बाद में पेस्ट, कंट्रोल सी एंड यहाँ पर कंट्रोल भी करो उसको। और मटेरियल की क्लास फिलहाल के लिए करिए कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, इसको हटा दो। अरे बराबर, तो जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट कंटेनर फ्लूइड डॉट कंटेनर और उसके अंदर ग्रिड, परफेक्ट फिट हो गया। और इसी में हम यहाँ पर 12 कॉलम में इसको बनाना चाह रहे हैं, तो ये आपका एक फुल में आ गया, बाकी तीन इस तरह से आ जाएंगे। रेस्पॉन्सिव इसको हैंडल कर लो कि मोबाइल मोड में किस तरह से आएगा। तो मोबाइल मोड में हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा इसी तरह से आना चाहिए। टैबलेट मोड में क्या होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने पता है मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं, तो 8 अपने आ गए, बाकी जो रिमेनिंग थे वो नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे आपके। तो अब क्या होगा कि टैबलेट में अगर हम लोग उसको बना रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा ऑड लगेगा देखने में, क्योंकि एक कॉर्नर में जा रहे हैं ना इस तरह से। तो ऐसे केस में आप क्या करो, लास्ट वाले को फुल विड्थ कर लो। तो आप जाके यहाँ पर लिख देंगे इसको, जो मेरा लास्ट वाला सेल रहेगा MDL सेल 4 कॉलम टैबलेट कितना हो जाए, 8 हो जाए, ठीक है। तो दो आपके पैरेलल हो जाएंगे, एक आपका एक्सपेंड कर जाएगा टैबलेट के अंदर। वो कह रही सेंटर सेंटर में रखेंगे उसको, तो सिर्फ ना डिज़ाइन आपका ऑड नहीं होगा, बैलेंस आउट हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर अपना इमेज सेंटर में रखोगे, बाकी आपका कंटेंट वगैरह इसमें आ जाएगा। दिखा देता हूँ करके इमेज को, अगर आपने कुछ नहीं किया होगा तो इमेज आपका जो ओरिजिनल साइज है ना वही कंटेंट रखेगा। इमेज पर अगर क्लास लगा दोगे W100 वगैरह तो फिर वो एक्सपेंड करेगा उस केस में, ठीक है। तो इमेज के साइज को नहीं करेंगे, क्या करें उसका, कुछ कह रहे देखिए। तो इस पर ज़रा चेक करो हमारा बर्गर वाला सिंबल काम कर रहा है कि नहीं, वो भी चीज़ें चल रही हैं। क्या, हाँ ये देखो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, हम तो सेंटर में रखेंगे ना इसको, तो क्या उसमें ख़राब क्या लगेगा। अब तुम सोचो कि तुम्हारा जो बॉक्स है वो लेफ्ट में दिखाई देगा, तो उससे तो अच्छा ही है ना कि उसको आप कवर कर लो, नहीं तो जगह खाली छूटेगी तो अजीब लगेगा देखने में। क्योंकि बूटस्ट्रैप में क्या होता है ना कि बूटस्ट्रैप में आपके 9 मतलब हम लोग उसको इक्वल डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 3 कॉलम है तो वहाँ पर आप 3-3-3 रखे आप उसको, या 4-4-4 में रखे उसका बहुत ईजिली हैंडल कर लोगे। इसमें आपका 8 से ऊपर नहीं जाएगा, तो यानी कि ऐसा कुछ ऑड डिवाइड करने का तरीका नहीं होता इस वाले पार्ट में।
यानी कि 4 के बाद में उसको ब्रेक होना ही है ऑटोमेटिकली। बाई डिफॉल्ट ग्रिड होता है ना अपना, वो 100% होता है। अगर हम लोग उसको यहाँ ना डिफाइन करके इस तरह से लिख रहे हैं, थोड़ा सा देखो कॉपी पेस्ट, और ये हमने पार्ट अगर यहाँ से कट करके डायरेक्ट लिखा है तो आपको क्या दिखाई देगा, 100% में। ठीक है, ये डिफॉल्ट चलता है 100%। तो इसको अगर आपने किसी रैपर में रैप करना है तो इसका रैपर चलता है div क्लास पेज कंटेंट के नाम से, ये इसका रैपर आता है इस तरह से। तो उसमें आप डाल के फिर आप इसको हैंडल करोगे तो पेज कंटेंट में आपके सारे ग्रिड बनते चले जाएंगे। तो हम किसी पार्ट में जैसे बूटस्ट्रैप के साथ में हम लोग कोई कंपोनेंट लगा के देखते हैं, कोई हमारा कंपोनेंट इसमें जैसे कि लाइक कार्ड को ट्राई करके देखो, जैसे कि ये वाला कार्ड है, इस कार्ड को आप कॉपी करिए और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक नया कंटेनर बना रहे हैं और अपना बूटस्ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट कॉल करेंगे यहाँ पर डॉट कॉलम। तो देखें बूटस्ट्रैप में क्या चला है, मटेरियल का कंपोनेंट, यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी कॉलम टू कॉलम पेस्ट एंड पेस्ट। थ्री कार्ड्स हमने कॉल किए, इसको आप कॉपी करेंगे स्टाइल को, यहाँ लगे कॉल करेंगे, यहाँ पर क्या वर्थ लिखा हुआ है इसको क्या कर देंगे आप ऑटो। ठीक है, और हाइट इसका 176 इमेज क्वालिटी सेट है, यहाँ पर हम लोग बेस्ट बर्गर की इमेज ला के कॉल कर लेते हैं। काम कर रहा है बढ़िया से। तो ये हमारा कंपोनेंट है मटेरियल का, चला किसके अंदर है, बूटस्ट्रैप के अंदर। अब जरा उसमें चला के देखो कि हमारा बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट उसमें काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे हम लोग यहाँ जाएंगे, देखेंगे VS5 कार्ड डिफॉल्ट, और यहाँ जाके आप लिखिए इमेजेस, कोड हट गया हमारा, कोड को सही कर लो। इमेजेस स्लैश बेस्ट बर्गर, ठीक है, तो ये वाला पार्ट आ रहा है। अब लेकिन ये क्या हो रहा है, इसके नीचे हमारा हाइड हुआ है, तो ऊपर देखो कहीं पर हमारी ना हाइट कॉल हो रखी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर मैं इस हाइट को ऑटो से रिप्लेस कर देता हूँ तो शायद हमारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी इसमें। तो किसी में भी किसी को भी हम लोग यूज़ करा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये पार्ट आपका इजीली काम करेगा इसमें। दो ही चलते हैं, तीसरा नहीं बनाना। कौन सा ना, ऐसा ना मटेरियल में ये नहीं होता, ये बूटस्ट्रैप में चलता है। बनाने के लिए कस्टम बना लोगे, लेकिन ध्यान रखो कि बूटस्ट्रैप और मटेरियल UI/UX में क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसको सोच के पहले से लिख दिया गया है। आप चेंज कर लोगे तो रूल्स को ब्रेक करोगे, नहीं करना है, ठीक है। मटेरियल में दो ही चलते, क्योंकि मटेरियल जो होता है ना हमारी जो वेबसाइट्स होती है उसको ऐप की फील में लेकर आता है, इसलिए हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। नहीं समझे अभी हमने क्या यूज़ किया, इसके अंदर कोई जावास्क्रिप्ट लगाई है, लिंक हमने जस्ट लगा दिया है फिलहाल के लिए चेकिंग करने के लिए। बट पॉइंट ये है कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर चाहिए तो आप क्या करेंगे उस केस में, ये तो मैंने जस्ट CDN डायरेक्ट डाला है, आप यहाँ जाएंगे डॉक्स के अंदर और यहाँ से आपने चूज़ करना है डाउनलोड, और डाउनलोड के अंदर जाके आपने यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक नहीं हुआ, ये देखो तो ये आपकी कंपाइल्ड फाइल है, इसको डाउनलोड करेंगे आप यहाँ से, फिर लगाना है। और यहाँ जाइए,
bootstrap folder location और यहाँ से इसको करेंगे extract और यहाँ से आपने जैसे grid का use करना है तो आप यहाँ से css लेंगे grid min दोनों हैं css एक है आपकी raw file और एक आपकी compressed file raw file 70 KB something की है ये आपकी compressed इस file को आपने copy करना है और इसको लाके आपने अपने फोल्डर में रखना है जैसे कि हमारा फोल्डर है css यहाँ पर आप करेंगे इसको कॉल यहाँ जाएंगे जो पार्ट आपको बूटस्ट्रैप का नहीं चाहिए उसको आपने पकड़ना है यहाँ से रिमूव लिखेंगे लिंक href और यहाँ पर आप लिखेंगे css bootstrap min सब हटा देंगे नीचे ऊपर से जितना लिखा है इसका मतलब ध्यान से देखा नहीं नेबर किससे चल रहा है जेस से चलता है ना तो आप मटेरियल का वो लगा लो ना नेबर मटेरियल में तो हमें नेबर मिल ही रहा है ना क्योंकि हमने तो यार पार्ट अपना अचीव कर ही लिया तो इस वाले नेबर की हमें जरूरत नहीं रहेगी ना इसको आप डिसकंटिन्यू कर दो यहाँ से और अपना मटेरियल वाला नेबर इंटीग्रेट कर दो ये लो कितने बार आपको ब्लेंड करने के लिए दिखाया था बाकी आप कहाँ गया यहाँ जाओ सो मटेरियल का जो अपना नेबर है वो लगा दो क्योंकि मटेरियल की आपको जेएस तो लगानी है जैसे ये नेबर है अपना यहाँ से अपने सिंपल नेबर किया कॉपी यहाँ से और अपने प्रोजेक्ट में लाके मिक्स बनाना है दोनों अलग इंडिविजुअली बना सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन मैंने क्या बोला कि जिस चीज़ को लग रहा है कि आप जहाँ से इजीली हैंडल कर सकते हो ठीक है नहीं देखो अगेन बोल रहा हूँ बूटस्ट्रैप से अगर आप बंडल लगा रहे हो बंडल क्या करता है हमारे डिज़ाइन को हैवी करता है ठीक है मतलब कि 20,000 क्लासेस हैं तो डोम पर तो रेंडर होंगी ना चाहे भले से उसमें आप कंटेनर फ्लूड क्यों ना चला रहे हो लेकिन इंजन तो पूरा प्रोसेस करेगा ना सीएसएस की फाइल को जो इंटीग्रेट कर रहे हो सो इसलिए ना मटेरियल को जहाँ पर बहुत मिनिमलिस्टिक आपने रखना है चीज़ों को ज़्यादा इफेक्ट्स वगैरह की कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ पर आप इसका यूज़ करो चला सकते हो वैसे भी मिक्स करके भी चला सकते हैं इंडिविजुअली चला सकते हैं दोनों तरह से पॉसिबल है अब देखो मैं मटेरियल के खाली इससे चला के दिखा रहा हूँ आपको ग्रिड स्ट्रक्चर हमने किसका लिया है बूटस्ट्रैप का ठीक है अब यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि अब ये जो फाइल हमने इंटीग्रेट किए चाहे पूरे कोड में आप ग्रिड यूज़ करो या ना करो लेकिन ये रेंडर होगी तो डोम पर इसका लोड होगा पहले पार्ट में हम लोग देखते हैं कि ये सब हटाने के बाद क्या हमारा डिज़ाइन कुछ डिस्टर्ब हुआ या काम कर रहा है तो चलिए ज़रा यहाँ आते हैं ब्राउज़र में उस डिज़ाइन पे एक नज़र डालते हैं तो हमारा ऊपर नेबार भी है ये वाला पार्ट हमारा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है ठीक है बाकी नीचे के सारी चीज़ हमारी काम कर रही है क्योंकि ये सब क्या है मटीरियल है ठीक है लेकिन हमारा कंटेनर सही काम कर रहे हैं क्योंकि कंटेनर की हमारी ग्रिड वाली क्लास काम कर रही है और ये भी हमारी सही काम कर रही है अब ये वाला जो पार्ट है इसको आपने हैंडल करना है तो हमने इमेज वाला जो पार्ट कहीं अपना बनाया है वो है कंटेनर फ्लूड पैडिंग एक्स डी ब्लॉक तो देख रहे हो ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं आई साथ में ये किस में आती है यूटिलिटी में आती है ठीक है तो इसके लिए आपको कस्टम सीएसएस लिखनी पड़ेगी इसलिए ये वाला पार्ट हमारा काम नहीं किया बाकी सारी चीज़ें काम कर गई हमारी क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ बूटस्ट्रैप से डिमांड की ग्रिड की ये दो चीज़ें जैसे आप यहाँ जगह डिफाइन करेंगे डॉट डी ब्लॉक सॉरी ब्लॉक हो गया क्या लिखते हैं डिस्प्ले ब्लॉक और एक हमने क्या बनाई थी डॉट डब्लू तो यहाँ पर विड्थ तो ये देखो पार्ट ओके हो जाना चाहिए आपका ठीक है तो ये है आपकी ये वाली क्लासेस तो यहाँ पर जब हम लोग इसको लेने जाते हैं ना तो यहाँ से नीचे डिफाइन किया गया है इसमें किस क्लास में क्या क्या आपको कंटेंट मिलता है कहाँ दिखाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं दिखाया था
बूटस्ट्रैप में जो हम लोग बाय डिफॉल्ट यूज़ करते आ रहे हैं आज तक, उसमें लेआउट, कंटेंट, कंपोनेंट, यूटिलिटी सब कुछ आता है, ठीक है। हमने जो लगाया इसमें क्या, सिर्फ और सिर्फ ग्रिड। अब जैसे यहाँ पर जाओगे इसमें सिर्फ यूटिलिटी आएगा, और रिबूट अगर लगाओगे तो उस कंटेंट आएगा आपका। तो इस तरह से चीज़ आपकी काम करती है। तो जिस पर डैश लगा रहा है उसमें वो चीज़ मिसिंग मिलेगी आपको, है ना। तो इस तरह से इसको लाइट करते हैं बूटस्ट्रैप। तो इंटरव्यू में पूछ लिया था कि बूटस्ट्रैप से डिज़ाइन लाइट कैसे बनाया जाए, तो जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें ले लो बूटस्ट्रैप से। उन्होंने हर चीज़ को अलग करके लिखा है। इवन अगर आप जैसे मान लो कि दुबई जैसा प्रोजेक्ट आ गया, तो वहाँ पर आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि बूटस्ट्रैप का जैसे ग्रिड अगर ले रहे हो, तो ग्रिड अगर वहाँ के लिए काम करो तो राइट टू लेफ्ट का भी दिया हुआ है अलग से, तो अलग लगेगा, ठीक है। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखोगे रिबूट आरटीएल, हर चीज़ राइट टू लेफ्ट की अलग दी हुई है। जितनी भी उर्दू अरबिक बेस्ड साइट बनेंगी वो सबके लिए अलग अलग यहाँ पर कोड दिया हुआ है आरटीएल के नाम से, राइट टू लेफ्ट। इसका आपको बंडल भी मिल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर ढूंढोगे बूटस्ट्रैप ग्रिड रिबूट यूटिलिटीज बूटस्ट्रैप सीएसएस, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे बूटस्ट्रैप सीएसएस क्या होता है, मेन होता है ना, जिसके अंदर सब आ जाता है। तो ऐसे बूटस्ट्रैप का ये वाला आपको मिल जाएगा। और इसका अगर आपको प्रोडक्शन वाला वर्जन लेना है तो ये मिलेगा आपको बूटस्ट्रैप राइट टू लेफ्ट मेन डॉट सीएसएस। तो जितने भी कंपोनेंट होंगे सब रिवर्स हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या होगा, इधर ज़रा ध्यान से देखो, जैसे हम लोग एड टू कार्ट वगैरह का पेज देखते हैं ना, पेमेंट चेकआउट वगैरह का, तो हमारा जो पेमेंट चेकआउट का पेज होता है वो कुछ ऐसा होता है जो हमारे इंडिया में चलता है, ठीक है। बट यही साइट जब दुबई में जाएगी तो इसका जो लुक एंड फील होगा बदल जाएगा। कैसा होगा दिखा देगा आपको। नीचे यहाँ पर एक डेमो इसका अवेलेबल होना चाहिए। फ्रेमवर्क कवर यहाँ पर आएगा, इधर ये देखो। तो ये होता है राइट टू लेफ्ट में, जस्ट उल्टा हो गया ना, इस तरह से चलेगा। तो उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि इस तरह से आपने रिवर्स बनाना है फिर। तो जैसे हम लोग जब सीख रहे होते हैं ना फ्लॉट, तो अगर खाली फ्लॉट चला रहे हो तो फ्लॉट राइट का यही काम होता है कि वो डिज़ाइन को रिवर्स स्टार्ट करता है, लेफ्ट से राइट की तरफ ना जाके राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करता है। बट हमने उसके अंदर हैक निकाला हुआ है कि मतलब अगर अगर अकेले पे लगा दोगे तो वो खाली एक दो चीज़ें अगर हैं तो एक को लेफ्ट रखे एक को राइट कर देगा। बट फ्लॉट का एक्चुअल में यूज़ ये था। तो बहुत पहले हमारे पास एक ईरान का प्रोजेक्ट आया था, तो हमने उस पर काम किया था, तो बड़े चैलेंजेस हमने फेस किए थे। तब वो वीडियो नहीं सिखाया था आपको राइट टू लेफ्ट वगैरह सारी चीज़ें, तो यूज़ क्या तो ये देखो ना अरेबिक है ये। ये हमें उल्टा दिख रहा है, ठीक है। कहाँ पर ये जो पार्ट है, इसका भी हम लोग कर्सर अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं अगर चाहे ना, तो वो भी चेंज हो सकता है। यहाँ देखो जैसे कर्सर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें किया नहीं है, तो इसका भी हम लोग अलाइनमेंट राइट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइट टू लेफ्ट चलेगा फिर, टेक्स्ट लाइन राइट करना है। कुछ लाइव एग्जांपल बताओ। डॉक्स में आते हैं, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा कलेप्सिबल होगा। देखो अकॉर्डियन जो होता है ना, एक ग्रुप ऑफ सेट होता है, ठीक है, और कलेप्सिबल जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो कभी ग्रुप नहीं होता है, मतलब इसके अंदर एक ही एलिमेंट आपका टॉगल करेगा। इस तरह से नहीं कर सकते ना, ये एक ही रहेगा। आपको उतनी बार फिर पूरा पार्ट अलग नया इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अकॉर्डियन में हम लोग एक ही अकॉर्डियन के अंदर मल्टीपल हम लोग अकॉर्डियन हेडर और अकॉर्डियन बॉडी बना सकते हैं। तो दोनों का रोल अपना डिफरेंट है।
मटेरियल तो आपको ड्रॉप डाउन वगैरह भी नहीं देता, वो कहता ड्रॉप डाउन भी प्रैक्टिस गलत है उसमें, उस प्रोजेक्ट में लगती नहीं ड्रॉप डाउन। मोबाइल में कभी देखा ड्रॉप डाउन नहीं होता ना, वहाँ पर क्या होता है, सेवा पर आपको या तो कलेप्सिबल मिलेगा या अकॉर्डियन मिलेगा, वहाँ कभी ड्रॉप डाउन नहीं होगा क्योंकि मोबाइल यूज़र ड्रॉप डाउन चला ही नहीं सकता, समझ रहे हो ना। जब फ्लिपकार्ट की वेबसाइट आप चलाते हो तो उसमें क्या कहीं ड्रॉप डाउन आता है, टैप आता है, जैसे हम लोग कहते हैं माउस ओवर मेरे को चाहिए, नहीं चलाना चाहिए माउस ओवर, क्योंकि माउस ओवर पे तो मोबाइल यूज़र चला ही नहीं सकता, वो कैसे थम्स ओवर करेगा, वो तो टैप ही करेगा ना। तो इसलिए पहले बूटस्ट्रैप 4 तक होवर होता था, फिर उन्होंने होवर बंद कर दिया, ठीक है। तो वैसे तो अभी जो नया वर्जन है वो स्मार्ट है, जैसे कि ड्रॉप डाउन होता है ना तो फिर वो टैप पर चलेगा, होवर पर चलेगा ही नहीं, नैब बार का देखोगे तो वो माउस ओवर पर आएगा ही नहीं। तो बहुत सोच समझ के लिखा गया कि भाई कहाँ किस चीज़ को देना है कहाँ नहीं देना है। वो शायद माइक वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, तब हो गया होगा ऐसा। अच्छा मुझे ये बताओ, डेवलपमेंट वाले कौन कौन है इसमें आपका, है ऑफलाइन ही रहोगे ऑनलाइन लोगे क्लास? ऑफलाइन बेटर है, ठीक है। तो 8 से 9 अपना ये वाला रहेगा डेवलपमेंट वाला, ठीक है, और 9 से 10.5 अपना UX वाला रहेगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन इधर साइड बाई साइड अपना प्रोजेक्ट बनाते रहोगे, अगर कोई डाउट है तो वो क्लास के ख़त्म होने से 15 मिनट पहले बता देना कि कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, तो वो जो ये वाला जो चीज़ें यहाँ की बचेंगी वो उधर डिस्कस होती जाएंगी आपकी, क्योंकि स्टार्टिंग में। और हाँ XD फिगमा, तो फिगमा तो ऑनलाइन ही चलता है आपका, XD सभी के पास है या नहीं है? तो मैं आपको उसका सेटअप भी दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ PHP से शुरू करेंगे, ठीक है, और PHP करेंगे, MySQL होगा, और उसके बाद आपको रिएक्ट कराएंगे उसके अंदर, रिएक्ट के साथ में नोड कराया जाएगा आपको, और फिर CMS करेंगे, फिर SEO वाला पार्ट करेंगे, तो मतलब 5-6 महीने और, ठीक है। माइनस क्यों आ रहा है?